सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज हम बनाने वाले दर्शन रावल का स्केच, जो कि हमने कल आधा छोड़ दिया था, सिर्फ आउटलाइन बनाई थी कल। आज उसके आगे का बनाएंगे, थोड़ा सा हेयर से चालू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसा स्केच बनता है। बाकी आज ज्यादा कहीं घूमने का प्लान नहीं है, तो आज पूरे दिन स्केच ही बनाएंगे। अभी फिलहाल में ये जो ऑर्डर वाले वर्क रहते ना, वो सब कम्प्लीट कर रहा हूँ। तो अभी जैसे कि आपको पता होगा, आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे, तो ये 1 तारीख तक सारे कम्प्लीट करना था ऑर्डर, बट अभी भी 3 बचे हुए। तो पहले ये कम्प्लीट करूंगा, उसके बाद या फिर एक काम करते हैं, आज पहले दर्शन रावल का बनाते हैं, उसके बाद ये सब काम कम्प्लीट करूंगा। फिलहाल तो मैं अभी सो के उठा हूं, तो अभी नहीं बनाएंगे। अभी पहले आऊंगा मैं थोड़ा नहा के, फिर खाना खा के, फिर थोड़ा सा तैयार होके, और फिर बनाएंगे दर्शन रावल का स्केच। ये आज एक और सब्सक्राइबर बढ़ गया है अपना। बाकी अगर आपने आला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके आला वीडियो देखो। इसमें जो मैंने कार बनाई है बहुत ही बढ़िया है, देखो। तो वो सबसे बढ़िया कार लगी, उसको फ्रेम करवा के लगाऊंगा इस दीवार पे, यहाँ पे बीच में उसको फ्रेम करवा के लगाएंगे। तो अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है आपने, तो जल्दी से जाके देखो और बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। अगर ये भी अच्छा बन गया तो अपन इसको लगाएंगे यहाँ पे ऐसे इन सब के साथ। जरा एक बार ये देखो, आउटलाइन कितनी बढ़िया लग रही है। इधर पूरा ब्लैक होगा, ये जो हाईलाइट होंगे ना हेयर, सिर्फ वही दिखेंगे, बाकी सब में ब्लैक होगा। तो कितना बढ़िया स्केच लगेगा, आउटलाइन देखने में इतना मजा आ रहा है, तो फिर कम्प्लीट होने के बाद तो और भी ज्यादा मजा आएगा ही आएगा। और हाँ, आज जो ये लगा हुआ है ना बैनर यूट्यूब पे, ये भी आज हमको चेंज करना है। कोई अच्छा सा बैनर लगाएंगे यहाँ पे, बढ़िया यहाँ पे नाम वाम लिख के कुछ कुछ लिखेंगे, फिर उसके पीछे फोटोज लगाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग लगाते हैं ना, अच्छे एकदम क्रिएटिव। तो अपन भी यहाँ पे स्केच के फोटो लगाएंगे और थोड़ा अच्छे अच्छे फोटो लगा के एडिट करके बढ़िया सा बैनर बना के यहाँ पे चिपकाने वाले। अभी अभी ना के आ गया हूँ और अब हम बनाएंगे स्केच दर्शन रावल का, वो भी यहाँ पे इधर रख के। यहाँ पे जितना भी लाइट आ रही है सब इसके ऊपर आएगा। बस अभी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक स्टैंड लगाना पड़ेगा, कोई अच्छा सा जिससे कैमरा टिका रहे, क्योंकि अभी क्या हुआ देखो, यहाँ पे कुछ भी रखने का नहीं है, मतलब स्टैंड रखने का नहीं। जब ये लाइटें नहीं थी ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे रखता था और फिर यहाँ पे बनाता था। तो अभी इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इधर कैमरा आएगा बट उतना अच्छा नहीं लगेगा, इधर से देख भी नहीं पाऊंगा और कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा। इसलिए अभी एक स्टैंड लगाता हूँ यहाँ पे, ये वाला, अरे ये वाला स्टैंड लगाऊंगा और देखता हूँ ट्राई करके कि ये अच्छे से लग पाता है कि नहीं। यहाँ पे कौन सा एंगल सही रहेगा, एक ये वाला एंगल अच्छा लग रहा है, एक ऐसा रख सकते हैं और एक ऐसा, इससे अच्छा ये वाला लग रहा है। या फिर मैं सोच रहा था ऐसे पास से बनाऊं और उसमें क्लियर पूरा समझ में नहीं आएगा, पूरा स्केच शीट नहीं दिखेगी, इसलिए तो यहाँ पे इस एंगल पे लगाने की कोशिश करता हूँ स्टैंड को। और एक तो ये स्टैंड है ऐसा कि इसमें ये टूटा हुआ है एक तरफ का, ये इधर रखने का नहीं है, ये जो अटकाने का है ना इसमें, तो वो टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से भी अलग प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा डर भी लगता है कि एकदम से कभी फिसल गया फोन तो नीचे गिरेगा सीधा। ये स्टैंड का भी कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, अभी भी तो सिर्फ इस पे ही लगा देता हूँ और इसी एंगल से ऐसा कुछ लगाऊंगा कि ये पूरा दिखे, यहाँ पे जो भी सामान रखा हो वो दिखे और स्केच शीट दिखना जरूरी है, तो वो पूरी शीट दिखे ऐसा कुछ। तो ये लो, ये हो गया कम्प्लीट। अब आप इसी एंगल से देखोगे पूरा स्केच बनते हुए। इसको मैं थोड़ा सा दूर भी कर सकता हूँ वाइड एंगल पे, कैसे होता है वाइड पे हो नहीं रहा, अभी कुछ ऐसा लगेगा वाइड में और ऐसा नॉर्मल में, पर वाइड एंगल में थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, तो हम ऐसे नॉर्मल में ही बनाएंगे। तो अब शुरू करते हैं वो सबसे ऊपर से। यहाँ पे पहले एक डार्क लाइन खींच लेंगे मार्कर से, नया बटर पेपर निकाल लिया है ये रहा। और अब ये अली 0.9 mm की मैकेनिकल पेंसिल से जो आउटलाइन है दर्शन रावल का, वो सब पहले आउटलाइन बना लेंगे और फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। चलो यहाँ से हमने आउटलाइन बना लिए, जितने भी ब्लैक आएगा यहाँ का थोड़ा सा रह गया, बट ये बाद में बनाएंगे हम। बैकग्राउंड इसका ब्लैक है तो यहाँ तक पूरा ब्लैक ही ब्लैक रहेगा ये सब हेयर्स, तो फिर उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट जब बन जाएगा तब अच्छा लगेगा। तो अभी मार्कर ले लेते हैं, मार्कर से जो भी आउटलाइन करी हमने इस पे थोड़ी सी डार्क क्लियर कर देंगे। इसके ऊपर तो हेयर्स ही है, तो हेयर्स पे हम ब्लैक ही करने वाले, तो इसके ऊपर के आउटलाइन ही करेंगे। यहाँ से स्किन जितने में भी है वहाँ का आउटलाइन करेंगे पहले। अभी देखो इतना बन गया है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करूँ और एंड कहाँ पे करना है। एंड तो चलो फिर भी यहाँ पे ही करेंगे हम, नीचे कहीं पर। शुरू कहाँ से करें यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हेयर्स पहले बनाए या फिर एक काम करते पूरे हेयर्स बना लेते हैं उसके बाद बाकी का काम करते हैं। और वो बनाएंगे हम चारकोल पेंसिल से, ये 0.0 सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल है। 3 पेंसिल आती है चारकोल वाले वो बॉक्स में, तो ये एक ये सबसे सॉफ्ट वाली, मतलब सबसे मोटी वाली, सबसे डार्क वाली पेंसिल ये, तो हम इसी से पहले बनाएंगे इनकी। उसमें शेडिंग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक चीजें बनाएंगे, मतलब बेस बनाएंगे उनके बालों का। ये देखो क्या होता है ना, बीच बीच में एकदम से ध्यान निकल जाता है कि मेरा हाथ इस पे जा रहा है, तो इस पे हाथ चला गया था, पूरा काला हो गया, यहाँ से चारकोल चिपक गया, ये मैं रखना भूल गया था और ये हाथ की वजह से यहाँ पे पूरे ये चारकोल फैल गया है। चलो ज्यादा डार्क नहीं हुआ था यहाँ पे, तो वैसे भी लाइट डार्क आना ही था, बट अगर कभी फेस पे हो जाता तो ये
बिगड़ सकता था, इसलिए बाकी अब ये बच गया है तो मैं ये हाथ धो के वापस से यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इतना बन गया है, अब इसके बाद इनकी आईज बनाएंगे, वो भी बनाएंगे ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन कहेंगे हमारा, और उसमें जो शेडिंग है वो भी करेंगे, वो करेंगे हम नॉर्मल वाली पेंसिल से, ये वाली। बाकी जो लिप्स है वो भी हम बनाएंगे ब्लैक पेन से, पहले ब्लैक पेन से बनाएंगे फिर बाकी बनाएंगे अपनी नॉर्मल पेंसिल से। और देखो जब मैं ऐसे बैठ के बनाता हूँ ना तो ये कैमरा में से इतने पास रहता है, इसलिए थोड़ा आवाज थोड़ा अजीब आ रहा होगा क्योंकि फोन इस पे लगा रहता है और मैं ऐसे इतना झुक के बनाता हूँ, इसलिए। पेंसिल अभी यहाँ पे भी हल्का हल्का फैल गया, इसको कुछ करना पड़ेगा, इसमें अभी कुछ करेंगे तो ये अपनी आउटलाइन भी मिट जाएगी, इसको बाद में करेंगे, पहले आईज बना लेते हैं। वो बनाएंगे पहले ब्लैक पेन से आईब्रोज, और जो आंखों के अंदर का है वो सब बनाएंगे ब्लैक पेन से। 5 बजने वाले हैं अभी, और अभी सिर्फ इतना बना हुआ है, बेसिक चीजें बन गई है, मतलब बेसिक बोले तो जो जो ब्लैक चीजें वो बन गई है फेस में, बाकी अभी एक दो और कमीशन वर्क है, तो पहले मैं उनकी आउटलाइन बना लेता हूँ और फिर बाकी स्टार्ट करूंगा। तो आउटलाइन बनाने के बाद इसको वापस से बनाऊंगा क्योंकि उनका भी बनाना जरूरी है, कल संडे, कल तो कोई सा भी कुरियर नहीं हो पाएगा। अब मेरे को मंडे को 3-4 कुरियर करने स्केच, तो वो सब भी उसका भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आप भी जल्द से आके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि कैसे पैकिंग होती है, कैसा डिलीवर करता हूँ वो सब मैं आपको उसमें बताऊंगा। और आउटलाइन बनाने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो पहले आउटलाइन बना लेते हैं। A3 साइज की शीट पे है, दो तीन स्केच है, तो वो सब बना के, और अभी मैंने एक और आज कंप्लीट करा है, ये वाला। इसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि फोटो इसमें दो कंबाइन करे, बाकी इसको अजीब तो नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है पर उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अभी एक ये है कार वाला, इसमें मैंने आज सिग्नेचर करी अपनी, ये भी थोड़ा सा डिजाइन में सिग्नेचर करी, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ऐसा लगे कि चमक रहा है, इसमें क्लियर नहीं दिखेगा। आपको मैं फोटो अपलोड करूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे जाके देखना कि कैसी लग रही है कार, पूरी क्लियर फोटो वहाँ पे मैं अपलोड करूंगा। और फिर इसको मैं चिपकाऊंगा यहाँ पे, चिपकाऊंगा तो नहीं मतलब प्रिंट करूंगा, अच्छा लगेगा। बाकी ऐसा साइज भी थोड़ा सा मैच कर रहा है, बाकी देखो कितनी बढ़िया लग रही है कार, एकदम रियल रियल ऐसा लग रहा है कि कार है, नहीं तो पहले की मेरी कार है ये वाली, ये बनाई थी 2014 में लैम्बोर्गिनी, ये बनाई है 2021 में। तो आप कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है, मतलब जो भी अपना प्रोग्रेस देख रहे हो, अभी ऐसी है और पहले ऐसी थी। ये है पूरी शीट का पैकेट, मैं एक साथ ही ले आया था, ये आता है 100 रुपए का और इसमें आती है 25 शीट ड्राइंग की, A3 साइज का ये। अभी जो बनाने वाला हूँ स्केच का, वो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था बट बिगड़ गया वो। देखो दर्शन रावल का स्केच अभी ऊपर रख दिया और दूर से अभी थोड़ा थोड़ा बढ़िया लग रहा है, बाकी उतना अभी शेप तो आएगी ऐसा लग रहा है कि दर्शन रावल है। इसमें थोड़े डिटेलिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें बाकी है वो करेंगे, तो ये अच्छा बहुत ही बढ़िया वाला लगने लगेगा। देखो अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये चारकोल फैल गई, तो ये हल्के से में फैल जाता है चारकोल। और अभी जो मैंने कार बनाई थी इस पे मैंने वो करके रखा है स्प्रे, फिक्सेटिव स्प्रे, ये वाला स्प्रे करके रखा है, तो इससे क्या होता है कि जैसे मेरे हाथ पे देखो अभी कुछ भी नहीं है, ये ऐसे करूंगा कुछ भी नहीं हुआ, इससे पेंसिल फिक्स हो जाती है। आउटलाइन बन गई है, ये क्या लग गया यहाँ पे, आउटलाइन बनने के बाद अब इसको रख देंगे साइड में, इस पे काम थोड़ी देर बाद चालू करेंगे, अभी वापस से हमारा दर्शन रावल को पूरा करते हैं। अभी इसमें जो भी फेस में जो चीजें बाकी, मतलब हम करने वाले थे इनकी स्किन बनाने वाले थे। चलो ये हो गया है, अब इसमें हम और डार्क करेंगे इसको। अब इसमें जो भी चीजें डार्क लग रही है, जैसे लाइट, ये सब लाइट बनाया हमने, अब इससे भी ज्यादा जो भी चीजें डार्क है ना, उसको चारकोल पेंसिल से रफ करेंगे, मतलब बनाएंगे अच्छे से। ये लो, अब देखो अब कैसा लग रहा है, अभी भी अजीब लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा काला लग रहा होगा, अभी थोड़ा हल्का दर्शन रावल जैसा लग रहा होगा, बट अभी बहुत सारा काम बाकी है। इतना टाइम हो गया ना इसको बनाते कि रात हो गई है और ये एक रेडी हो गया, तो इसका भी आज मैं फोटो सेंड कर दूंगा। और ये अभी मैंने निकाला था एक फुकरा इंसान की स्केच, जिसमें ये जो पीछे मस्टैंग बनी हुई है बहुत ही बढ़िया लग रही थी, मैंने सोचा इसको कंपेयर करते अपनी नई वाली लैम्बोर्गिनी से। और हाँ, आज है 1 तारीख, मतलब देखते देखते पूरा साल निकल गया, 10 महीने पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और अभी सिर्फ 288 सब्सक्राइबर कुछ हुए, तो एक साल में मतलब 10 महीने में इतने हो गए, जो 2 महीने बचे हुए। मैं कोशिश करूंगा कि डेली इसके वीडियोस डालूं, क्योंकि अभी हुए कुछ वीडियो मेरे 76 हो गए, तो 76 वीडियो 10 महीने में, मतलब अभी सिर्फ 2 महीने बचे और 2 महीने में 30 वीडियो तो आराम से डाल दूंगा, तो अपने हो जाएंगे 100 वीडियो ऐसा, मतलब 100 वीडियो अपलोड करें। अभी तो कंटिन्यू अपने वीडियो आते रहेंगे, नई नई ड्राइंग बनाएंगे, नए नए ब्लॉग्स बनाएंगे, नई नई जगह घूमने जाएंगे, नए नए गोल्स बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके बताओ कि ये स्केच कैसे लगा।
लग रहा है और ये कैसा लग रहा है। और अगला वीडियो जो है बहुत ही बढ़िया वाला आने वाला है, क्योंकि अभी कितना ब्लैक ब्लैक लग रहा है ना, देखो इस पे पूरा काला काला लग रहा है। और अगले वीडियो में हम आपको बताऊंगा पूरा एकदम दर्शन रावल लगेगा, एकदम चमक जाएगा स्केच। ठीक है, तो जल्दी से आओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, अगला वीडियो जरूर देखना। अगर सब्सक्राइब भी नहीं करना है तो अगला वीडियो देख लेना और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। यार ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, बन पाएगा कि नहीं? बन तो जाएगा शायद, चलो कल देखते हैं।